जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप सबका बहुत फेवरेट और बड़ी रिक्वेस्ट आई हुई थी उसकी कमेंट सेक्शन के अंदर, तो हमने कहा व्हाई नॉट टू डिस्कस रेटिनॉल्स टुडे। एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट रेटिनॉल्स, क्या हैं, कैसे यूज करने चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, एवरीथिंग इन डिटेल टुडे इन दिस एपिसोड। स्टे ट्यून्ड, दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। वी हैव अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स रनिंग इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, दैट टू सुपर इक्विप्ड। यू नेम अबाउट लेजर हेयर रिमूवल, हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स, नेल स्किन इश्यूज, एनीथिंग यू कैन थिंक अबाउट, वी हैव इट एट द क्वालिटी लेवल वर्ल्ड क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ यू लविंग आवर कॉन्टेंट प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। और अगर आप कुछ और भी जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दे सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें। सो रेटिनॉल्स के ऊपर हमें बड़ी फरमाइशें आई। रेटिनॉल्स एग्जैक्टली है क्या चीज? रेटिनॉल्स बेसिकली आर विटामिन ए डेरिवेटिव्स, या वो विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं या उनकी क्लास से कहीं लिंक्ड होते हैं। और रेटिनॉल्स, रेटिनॉल्स की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, देयर आर थ्री मेजर टाइप्स, रेटिनॉल्स, रेटिनॉल्स एंड रेटिनोइक एसिड्स। उसमें जो वीकेस्ट ऑफ ऑल विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं वो रेटिनॉल्स हैं। वीकेस्ट है इसीलिए हम अपनी स्किन पे कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं और इसीलिए वो रैंडमली हर प्रोडक्ट के अंदर आपको इजीली मिल भी जाते हैं और ओवर द काउंटर प्रेपरेशंस भी आपको इजीली मिल जाती हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। अदरवाइज जो बाकी रेटिनॉइक एसिड है या रेटिनॉल्स हैं, द स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ इट, तो वो ओनली वाया प्रेस्क्रिप्शन आपको ओवर द काउंटर बड़ा मुश्किल है मिलना। लेकिन जो रेटिनॉल्स हैं बेसिकली वो काफी वीकर हैं और आप किसी भी एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन में, ब्राइटनिंग ग्लो फॉर्मुलेशन में आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि इसमें रेटिनॉल है। और रेटिनॉल इतना फेवरेट क्यों है लोगों का, रेटिनॉल डॉक्टर्स का इतना फेवरेट क्यों है, व्हाई डू दे प्रिस्क्राइब, व्हाई डू आवर क्लाइंट्स लव अबाउट देम, और क्लाइंट्स को कैसे पसंद आ गया है इतना रेटिनॉल। सबसे पहले इसको जिक्र करते हैं कि रेटिनॉल्स क्लाइंट्स को पसंद कैसे आया। रेटिनॉल्स की प्रॉबेबली क्लाइंट्स के अंदर कोई खास नॉलेज नहीं होती, क्लाइंट्स उसके बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं होते, लेकिन द मोर यू सी द मोर यू स्टार्ट ट्रस्टिंग इट इज द फिनोमेना बिहाइंड एवरीथिंग। जैसे हाइड्रोफेशियल 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 इतनी मार्केटिंग हुई कि लोगों को समझ में आ गया कि हाइड्रोफेशियल इज यू नो समथिंग टू गो फॉर, और द मोर रिपीटेडली यू लिसन टू इट, द मोर रिपीटेडली यू लुक अराउंड इट, तो आपको उसका ट्रस्ट बिल्ड होता रहता है। इसी तरह रेटिनॉल्स के साथ भी हुआ, बिकॉज रेटिनॉल्स के बारे में आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, डॉक्टर्स बहुत तस्करा करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज हैं, बहुत डॉक्टर्स का बिलवड इंग्रीडियंट है, इसलिए हमारे क्लाइंट्स उसको ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। अदरवाइज साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक डाटा हमारे क्लाइंट्स के पास जनरली नहीं होता। बट नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, व्हाई डॉक्टर्स लव इट, व्हाई इट इज आवर फेवरेट इंग्रेडिएंट टू यूज एज एंटी एजिंग, टू यूज एज एंटी पिगमेंट एंड टू यूज इट फॉर एक्ने करेक्शंस। सबसे पहले ये कि रेटिनॉल्स की कुछ सीधा सीधा खसूसियात को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि वो हमारा इतना फेवरेट इंग्रेडिएंट क्यों है। रेटिनॉल्स सबसे पहले ये कि जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो वो आपके स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिक टिश्यू की फॉर्मेशन बढ़ाता है। और ये मैं जस्ट बाय द वे नहीं कह रही, इसके ऊपर बड़ी क्लिनिकल ट्रायल्स अवेलेबल हैं, रिसर्च डाटा अवेलेबल है शोइंग यू कि आपको कुछ नंबर ऑफ पेशेंट्स डॉक्टर्स ने सिलेक्ट किए जिनको प्लेसिबो के लिए सादा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लिख दी, और कुछ पेशेंट सिलेक्ट किए जिनको प्रॉपर रेटिनॉल फॉर्मुलेशंस दी गई, और उनके स्किन की बायोप्सी शुरू में ले ली गई इस ट्रायल से पहले, और ट्रायल के खत्म होने के बाद बायोप्सीज ली गई। बायोप्सी कहते हैं जिल्द के टुकड़े को, और फिर उसको असेस किया गया तो गुड क्वांटिटी ऑफ इलास्टिक टिश्यू एंड कोलेजन मिला उन लोगों में, उन क्लाइंट्स के अंदर जिनको रेटिनॉल दिया गया था, एज कम्पेयर टू दोज पेशेंट्स जिनको प्लेसिबो दिया गया था। प्लेसिबो कहते हैं बेसिकली उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, इट्स जस्ट समथिंग टू बी अप्लाइड फॉर इन अ पर्टिकुलर ग्रुप जिसमें वो एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है। ये रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग है कि अगर आप रेटिनॉल यूज करते हैं तो आपके स्किन के अंदर इलास्टिक टिश्यू और कोलेजन की मिकदार बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी गुड एंटी रिंकल इंग्रेडिएंट। व्हाई वी लव रेटिनॉल, नंबर वन इज इट्स पोटेंशियल एंटी रिंकल इफेक्ट्स, और पोटेंशियल भी, और आपको जो रिसर्च बेस्ड डाटा बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड एंटी रिंकल रिजल्ट्स। सेम गोज विद स्किन टाइटनिंग, जब आपके स्किन में कोलेजन ज्यादा होगा, इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होगा, तो स्किन टाइटनिंग रिजल्ट्स भी ज्यादा आएंगे और ज्यादा एक्सपेक्टेड होंगे। सो वी लव यूजिंग रेटिनॉल फॉर इट्स पोटेंशियल एंटी रिंकल एज वेल एज स्किन टाइटनिंग रिजल्ट्स। द नेक्स्ट स्टेप व्हाई वी लव रेटिनॉल इज इट्स कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजिंग पिगमेंट्री इश्यूज। रेटिनॉल एक और भी काम करता है कि वो आपके स्किन के सेल टर्न ओवर को बढ़ाता है। जब वो सेल टर्न ओवर को बढ़ाता है तो जो आपके सुपरफिशियल पिगमेंटेशन इश्यूज होते हैं वो तो सिर्फ रेटिनॉल लगाने से ही हल हो जाते हैं, लेकिन जो आपके डीप डर्मल पिगमेंटेशन इश्यूज होते हैं उसको भी कहीं कहीं वो मैनेज करने में हेल्प करता है। हमारा पिगमेंटेशन ऐसे बनता है कि छोटा सा पैच पिगमेंट का बना और फिर वो कोलेज करते गए और पैचेस
बढ़ते गए। तो रेटिनॉल एक तो स्किन के सेल टर्नओवर को बढ़ाता है जिससे सुपरफिशियल पिगमेंटेशन हल होता है और साथ साथ वो पैचेस को ब्रेक करने में भी हेल्प करता है। तो ओवर टाइम यू सी कि कहीं कहीं पिगमेंट को मैनेज करने के अंदर भी रेटिनॉल के बड़े डिजायरेबल रिजल्ट्स होते हैं, तो बड़े कन्विंसिंग रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम एंटी रिंकल एबिलिटीज, अपार्ट फ्रॉम स्किन टाइटनिंग एबिलिटीज, जब ये स्किन सेल टर्नओवर को बढ़ाता है तो इट्स अ पोटेंट एक्सफोलिएंट। आपको अगर एक्सफोलिएंट की जरूरत है, रेटिनॉल से बेहतर एक्सफोलिएंट कोई नहीं है। विद कॉशन, व्हाई कॉशन वी विल डिस्कस इन डिटेल नियर द एंड ऑफ द एपिसोड। देन व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट्स रोल इन एक्ने प्रिवेंशन एंड एक्ने ट्रीटमेंट। सो व्हाट रेटिनॉल डज इज आपके स्किन के अंदर सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, सेल टर्नओवर को बढ़ाता है, क्लेंस करता है पोर्स को, हेल्प क्लेंस पोर्स। इससे क्या होता है, जब आपके स्किन के ऊपर सीबम प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है, आपके पोर्स क्लॉक कर रहे होते हैं, पीछे कॉमेडोनल एक्ने बनना शुरू हो जाती है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स। कॉमेडोनल एक्ने का मतलब ब्लैक हेड, व्हाइट हेड। इफ इट्स नॉट ट्रीटेड इट गेट्स वर्स, और फिर आपको पस्टुलर एक्ने, इन्फ्लेमेटरी एक्ने, फिर उसके बाद नोडुलोसिस्टिक एक्ने एंड वगैरह वगैरह वगैरह। सो ऑल द सीक्वल। एंड वंस आपका रेटिनॉल जो है, अगर आपका सीबम को कंट्रोल कर रहा है और आपके सेल टर्नओवर को बढ़ा रहा है, तो इसी स्टेप के ऊपर एक्ने प्रिवेंशन का भी ताल्लुक है। अगर आपका सीबम कंट्रोल हो गया और आपका सेल टर्नओवर बढ़ा और आपके पोर्स को क्लेंस कर गया ओवर टाइम, तो ऑब्वियसली एक्ने प्रिवेंशन के अंदर भी काम है। और अगर आपको एक्ने, एक्टिव एक्ने है, आइदर इट्स कॉमेडोनल एक्ने और इट्स यू नो सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्ने या पस्टुलर एक्ने, उसके अंदर भी रेटिनॉल को जब आप लगाते हैं, इट क्विकली ड्राइज आउट आपका जो एक्ने पिंपल होता है एंड इट्स वेरी एफिशिएंटली ट्रीटिंग द एक्ने इटसेल्फ। सो हमारे क्लिनिकल इंडिकेशंस के अंदर ज्यादातर पेशेंट आता है फेशियल स्किन के कंसर्न्स को लेके, रिंकल्स के लिए, स्किन सैगिंग के लिए, ओपन पोर्स के लिए, एक्ने के लिए और मलाज्मा के लिए, पिगमेंटेशन इश्यूज के लिए। ये सारे इश्यूज एक इंग्रेडिएंट काफी सारा कॉम्बैट करता है, दैट इज अ रेटिनॉल। अब रेटिनॉल कौन सा यूज करना चाहिए, इसके कोई डोंट्स भी हैं, इसके कोई केयर फैक्टर्स भी हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल नाउ। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ रेटिनॉल्स, तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इरिटेशन एंड ड्राइनेस। ऑब्वियसली जब आप रेटिनॉल लगाने शुरू करते हैं तो आपकी स्किन एकदम रेड, फ्लेकी और ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इसी वजह से एशियन स्किन के अंदर, खासतौर पे वो जो स्किन सन एक्सपोज होती हैं, उनके अंदर हम रेटिनॉल्स को बड़े कॉशन के साथ यूज करते हैं, क्योंकि द मोर इन्फ्लेम स्किन इट इज, द मोर चांसेस ऑफ पिगमेंटेशन डेवलपमेंट देल बी। तो अगर आपको बहुत ज्यादा इशू आ रहा है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, खासतौर पे वो स्किन जो स्टीरॉयड क्रीम्स लगा लगा के खराब हुई होती है, अगर आप उसके ऊपर राइट अवे रेटिनॉल्स लगाना शुरू कर देंगे, तो ऑब्वियसली पिगमेंटेशन इवेंचुअली बढ़ना शुरू कर देगी बिकॉज ऑफ इस इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन इट इज कॉजिंग। सो फॉर रेटिनॉल्स आई ऑलवेज से कम लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, यू नो स्टार्ट द ट्रीटमेंट with a very little quantity, और frequency भी कम रखे, और gradually when your skin is getting comfortable with application of retinol, तो आप उसको फिर daily पे आ सकते हैं। कम लगाए का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी serum लगा रहे हैं तो maybe 2-3 drops, और अगर आप creams लगा रहे हैं तो maybe pea size for a whole face, and it is sufficient। आप लगाना शुरू कर रहे हैं, आप twice weekly पे शुरू करें, और once your skin gets comfortable, then you can shift yourself from twice weekly to alternate night, and alternate night to every night or daily at night। Well, I prefer using alternate night because that is सेफर, और अगर आपके स्किन पे कोई इश्यूज भी आ रहे हैं तो यू गेट वन टाइम ऑफ हीलिंग। एंड इसके अलावा अगर आपको ग्रॉस पिगमेंटेशन इश्यूज हैं और अगर आपके स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक्जिमास, जैसे कि कोई पिगमेंट्री इश्यूज या कोई अदर एनी अदर इलनेसेस, फोटो सेंसिटिविटीज, डायडर्माटाइटिस या किसी किस्म की कोई प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशन है, तो राइट अवे ओवर द काउंटर रेटिनॉल्स को ना यूज करें। आप पहले प्रायर रिकमेंडेशन ले अपने डॉक्टर्स के साथ, प्री एग्जिस्टिंग इश्यूज को सॉल्व करें, वरना रेटिनॉल इज गोइंग टू मेक इट वर्स फॉर यू। इवन फॉर द एक्ने, डोंट गो फॉर ओवर द काउंटर रेटिनॉल्स, गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योंकि एक्ने को ट्रीट करने के लिए प्रॉपर एक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, नॉट लाइक यू कैन जस्ट बाय ओवर द काउंटर रेटिनॉल एंड यू जस्ट अप्लाई, बट यस इफ इट्स ट्रीटेड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट, एंड दैट टू देयर इज अ एज ब्रैकेट। एंड देन कॉशंस लाइज, आप प्रेगनेंसी के अंदर रेटिनॉल्स को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इवन इफ यू टॉक अबाउट द टॉपिकल रेटिनॉल्स, उसकी कुछ ना कुछ सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होती है, और फिर वो एक बेबी टू बी के अंदर अच्छे खासे मैलफॉर्मेशंस कर सकता है। सो डोंट यूज इट if you're pregnant or if you're planning a pregnancy, also don't use it under 12 years of age, and also agar aapko koi pre-existing skin condition hai to phir bhi aap usko use na kare. So what are the cautions, aapko kya cheezon ka khyal rakhna hai agar aap retinol laga rahe hain? Sabse pehle to retinol apna advice kara lein doctor ke sath ki kitne percentage se aap shuru kare aur kitne percentage ke upar phir aap step up kare. Number 2, agar aapne abhi you're a beginner with the retinol, a pea size cream if you're using it in a cream form, aur agar aap drops mein use kare, not more than 2-3 drops, they sufficient for whole of the face and neck. जब भी आप रेटिनॉल लगाएं, फेस, नेक, आंखों के गेट, लिप्स के अराउंड, नेक के ऊपर लगाएं, इफ यू आर कंसिडरिंग एंटी एजिंग। और स्टार्ट स्लो, स्टार्ट लो, आपने थोड़े मिकदार यूज करना है,
मिकदार मैंने मेंशन कर दी एंड स्टार्ट विद ट्वाइस वीकली एप्लीकेशंस एंड देन यू कैन स्टेप अप टू अल्टरनेट नाइट. रात को आप रेटिनॉल लगा रहे हैं, सुबह में आपने सनब्लॉक जरूर लगाना है. अगर आप सनब्लॉक नहीं लगाएंगे, आपके स्किन का सेल टर्नओवर बढ़ रहा है, यू आर मेकिंग योर स्किन मोर प्रोन टू पिगमेंटेशन. सो अगर आप लगा रहे हैं रात को रेटिनॉल, तो दिन में सनब्लॉक आपने जरूर लगाना है. इफ योर रेटिनॉल इज मेकिंग योर स्किन टू ड्राई, रीकंसल्ट योर डॉक्टर, चेंज द प्रिस्क्रिप्शन. आपकी क्वांटिटीज को रीएडजस्ट करें और साथ में इमोलियंट्स का इस्तेमाल जरूर करें. इमोलियंट्स किसको कहते हैं? मॉइस्चराइजर्स को. मॉइस्चराइजर दैट टू अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. इफ इट्स टू ड्राई, इफ इट्स कॉम्बिनेशन टू ड्राई, इफ इट्स कॉम्बिनेशन ऑयली, इफ इट्स ऑयली. सो मॉइस्चराइजर्स को जरूर यूज करें. काम डाउन करें स्किन को, क्योंकि हम इन्फ्लेम्ड स्किन, एशियन स्किन, इन्फ्लेम्ड स्किन विल बी मोर प्रोन टू डेवलप पिगमेंटेशन. सो आपके रेटिनॉल को आपके स्किन के साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप किसी और इश्यूज के अंदर अपनी स्किन को लैंड करवा सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you for watching us. If you're loving our content, please consider subscribing it. Thank you.